हेलो दोस्तों, अंकिता टाइम लाइन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिमी के अंदर सब्जी बनाने वाले हैं। देख सकते हैं दो टुक जिमी के अंदर लिए हैं, तो दोनों को हम काट के दिखाते हैं। सरसों तेल लिए है, पहले हम हाथ में सरसों तेल अच्छा से लगा लेंगे, फिर इसे सिलेंगे। जिमी के अंदर बहुत ही टेस्टी सब्जी है, अगर बना सकते अच्छा से तो, नहीं तो गला खुज रहते हैं। और इसका छिलका तो हम मोटा मोटा करके सिलेंगे। इधर छोटा सा पीस हो गया है, इसके मोटा मोटा करके इसका छिलका को हम पूरा निकाल देंगे। देख सकते हैं हम पूरा छील लिए हैं। अब हम इसे पीस कर लेंगे एक टाइप के। इसे हम चार भाग में पीस करेंगे। इसका हाफ तो थोड़ा फेंकेंगे हम काट के, फिर इसको ऐसे ही पीस कर लेंगे तीन तीन पीस करके। देख सकते हैं हम पूरा काट लिए है और सब पीस को एक ही बराबर करे हैं। दोस्तों सब्जी तभी अच्छा लगते जब सब सब्जी एक बराबर कटिंग हो। देखिए दोस्तों, हमें जिमी के अंदर काट के क्या करते हैं, जो नमक है नमक को हाथ में पूरा लगा ले, लगा के अच्छा से रगड़ ले, फिर हाथ को धो ले। अच्छा से हाथ में रगड़ के तब जाके हाथ को धो ले, फिर इसे पानी से धो ले। अब हम जिमी के अंदर को धो लेंगे नॉन चालू करके, इसमें बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। इसी तरह हम रगड़ रगड़ के अच्छा से पानी में दे के करीब 5 मिनट तक इसे धोएंगे। इसी तरह हाथ नहीं लगाएंगे। देख सकते हैं हम अच्छा से साफ कर लिए हैं। अब हम इस कुकर में दे के 2 बड़े चम्मच नमक और पानी ऐड कर देंगे। पूरा पानी में आना चाहिए बस। कुकर के ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसे हम इसको उबाल लेंगे। जैसे उबल जाए हम इसे उतार देंगे और इसके जो ढक्कन है हम ऐसे ही इसके ऊपर रख देंगे, बंद नहीं करेंगे। अब हम कुछ मसाला तैयार करेंगे। जो मैंने 8-10 टमाटर लिए हैं, जिमी के अंदर में ज़्यादा टमाटर चाहिए। अरे सूखा मिर्ची हम इसको तेल में भूज लिए हैं। अरे 2 कली अदरक, इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। हमारे जिमी के अंदर उबाल चुके हैं, इसके ज़्यादा उबालेंगे नहीं हम, हल्का सा उबाल आ जाए फिर इसे हम उठा लेंगे। नमक हल्दी दे के हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। इसी तरह हम पूरा नमक हल्दी लगा लेंगे। कढ़ाई में तेल दिए हैं, सरसों तेल गर्म हो चुके हैं। अब जिमी के अंदर को हम ज़्यादा नहीं आधा देंगे, लेकिन इसे हम अच्छा से भूज लेंगे। पूरा एकदम सुनहरी सलाद होगा। देख सकते हैं हम जिमी के अंदर को अच्छा से फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए पूरा इसका जितने रसा पानी है सारे पानी को हम सुखा लिए हैं। हम इसे उतार देंगे। हमने पूरा अच्छा से इसे फ्राई कर लेंगे आगे पीछे उल्टा उल्टा के। देखिए जाने जाने
देख सकते हैं हम अच्छे से भूज लिए हैं जिमी कैमरे को, मुड़ मुड़ करके आवाज आ रहे हैं। अब इसे हम तड़का लगाएंगे। सरसों तल दिए हैं, जीरा सरसों और मीठा नीम पत्ती। अब इसी में हम एक टोमेटो को ऐड कर देंगे। धीमी आंच में पकाएंगे हम इसे। इसमें हम बाकी जो नमक हल्दी है सब दे देंगे। नमक ज़्यादा नहीं देंगे, पहले जिमी के अंदर में दे चुके हैं। हल्दी भी हल्का हल्दी देंगे मसाला को बस भूनने के लिए। धनिया, जीरा, अब इसे अच्छा से पकाएंगे। टमाटर के पानी को पूरा सुखा लेंगे। टमाटर को अच्छे से पका लिए, अब जीरे के अंदर थोड़ा सा ऐड कर देंगे। इसे 2 मिनट तक घुमाएंगे, चलाते रहेंगे अच्छे से। देखिए हमने पूरा अच्छे से पका लिए हैं इसे। अब इसमें हम एक गर्म पानी ऐड कर देंगे। पानी को हल्का सा गर्म कर ले। 2 मिनट में पक जाएंगे जिमी के अंदर। देखिए हमारे जिमी के अंदर पक रहे हैं, कितना मस्त बढ़िया कलर आ चुका है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए लीजिए दोस्तों, हमारे जिमी के अंदर सब्जी रेडी है। अब इसमें धनिया पान और इसको और स्वादिष्ट के लिए हम आधा चम्मच चीनी देंगे। लीजिए कैसे लगे मेरा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना। देखिए दोस्तों हमारे जिमी के अंदर सब्जी रेडी है, कितना मस्त लग रहे। जो भी जिमी के अंदर नहीं खाते हो वो इसी तरह बना के खाए, फिर बताना, उंगली चाटते रह जाए। देखिए जिमी के अंदर कितना मस्त सब्जी है। शुक्रिया दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।